एवरीबॉडी, वेलकम टू इकोनो हब। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप देखी थी। अब हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप विच इज द प्रीएम्प्टिव, मतलब जो सीपीयू है वो एक प्रोसेस को, सपोज प्रोसेस P1 है, उसे वो पूरा पूरा बिना एग्जीक्यूट किए, मान लो कि वो 3 सेकेंड्स तक एग्जीक्यूट होना था बट वो 1-1 करके ही एग्जीक्यूट करेगा, पूरा पूरा एग्जीक्यूट एट ए टाइम नहीं करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम, राइट। तो प्रोसेस इज गिवन है P1, P2, P3, बर्स्ट टाइम 10:52, अराइवल टाइम 0:12 एंड प्रायोरिटी 3:1। हेयर ऑल्सो आई विल यूज द प्रायोरिटी विच इज द लीस्ट नंबर, इट इज गिवन द हाइएस्ट प्रायोरिटी, मतलब P3 की सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, P2 की सेकेंड नंबर पर एंड P3 की थर्ड नंबर। उस हिसाब से अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें बर्स्ट टाइम भी साथ में रखना है और अराइवल टाइम भी, राइट। प्रायोरिटी सबसे पहले है P3 की, लेकिन अराइव सबसे पहले कौन सा हो रहा है? P2, ठीक है। अराइवल सबसे पहले P2 का हो रहा है, सॉरी अराइवल सबसे पहले P1 का हो रहा है, और लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले उसकी है। लेकिन अगर प्रोसेस अराइव ही नहीं हुआ तो प्रायोरिटी किस काम की? P1 की सबसे पहले ऑल्दो लीस्ट प्रायोरिटी है बट लेकिन अराइव वो सबसे पहले हुआ तो उसे सबसे पहले कंसीडर करेंगे। देखते हैं, 0 टाइम पे अराइव हुआ, प्रायोरिटी 3 है, बर्स्ट टाइम 10 है। अब एक एक सेकेंड करके हम इसे चलाएंगे। सपोज इट इज एग्जीक्यूटेड फॉर 1 सेकेंड, तो 9 सेकेंड आर स्टिल लेफ्ट, बट 1 सेकेंड एग्जीक्यूट करते ही हमारे पास P2 भी आ गया लाइन में, ठीक है। अब इन दोनों की बर्स्ट टाइम कंपेयर करो, 9 और 5, ऑब्वियसली 5, इसे हमने 1 सेकेंड कंसिडर कराया। अब जैसे ही ये 2 सेकेंड तक पहुंच गया P2, क्योंकि 1+1 2, हमने देखा कि P3 भी आ गया क्यू में। अब इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 की है और लीस्ट बर्स्ट टाइम भी P3 का है, तो P3 को फुल्ली एग्जीक्यूट करा देंगे, उसके बाद P2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद P1। वैसे ही सिमिलरली हम लोग इसका जेन चार्ट बना देंगे एंड वेटिंग टाइम इज कैलकुलेटेड एज, क्योंकि P1 यहाँ पर 2 बार आया है, तो 0+8 माइनस द टाइम एट विच P1 इज कम्प्लीटेड इनिशियली, राइट। ऐसे ही P2, 1+4 -2 द टाइम एट विच इट इज कम्प्लीटेड इनिशियली। तो ऐसे ही टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हम लोग निकाल लेंगे। टर्न अराउंड टाइम कम्प्लीशन टाइम माइनस द अराइवल टाइम, अराइवल टाइम गिवन है इसमें, राइट। एंड जो इसका मैंने डिसएडवांटेज बताना था वो क्या होता है, डिसएडवांटेज जो इसमें होता है वो होती है स्टारवेशन। अब स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो लीस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस होते हैं ना, उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाए, जस्ट बिकॉज हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस ज़्यादा टाइम ले रहे हैं एग्जीक्यूट होने में, तो जो लीस्ट प्रायोरिटी के प्रोसेसेस होते हैं उन्हें मौका ही नहीं मिलता और टास्क ओवर हो जाता है, तो दे डोंट गेट अ चांस टू गेट एग्जीक्यूटेड। अब इसका ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे प्रोसेसेस अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो CPU आइडल कंडीशन में चला जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो है एजिंग। अब एजिंग क्या होती है? कुछ टाइम के लिए हम लोग लीस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस को हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस में कन्वर्ट कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग देयर प्रायोरिटी और बाय चेंजिंग देयर प्रायोरिटी, ताकि वो भी एग्जीक्यूट हो सके और फिर हाई प्रायोरिटी वाले तो एग्जीक्यूट होने ही है। सिर्फ एक कुछ टाइम के लिए ऐसा किया जाता है ताकि सभी प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन अपनी कर पाए टास्क ओवर होने से पहले पहले। सो दिस वाज द डिसएडवांटेज इन सिचुएशन एंड द नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप। थैंक यू।